बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर एक बार फिर हुआ NH-24/7 की खबर का बड़ा असर। 93 लाख के गेहूं घोटाले का मामला सतना में हुआ था, 93 लाख का गेहूं घोटाला, कलेक्टर ने 19 किसानों के बैंक खातों पर लगाई है रोक। मामले में लोगों के फर्जी पंजीयन की भी होगी जांच, सिकमी के पंजीयन और वेरिफिकेशन की जांच का भी ऐलान। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर घोटाले की जो है अब दर पर दर खुलेगी। एक बार फिर से NH-24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है, 93 लाख के गेहूं घोटाले का ये मामला है। सतना में हुआ था 93 लाख का गेहूं घोटाला, कलेक्टर ने 19 किसानों के बैंक खातों पर रोक लगाई है। वहीं बात की जाए तो मामले में लोगों के फर्जी पंजीयन की भी जांच होगी, सिकमी के पंजीयन और वेरिफिकेशन की जांच का भी ऐलान किया गया है। तो एक बार बड़ी खबर बता दें, एक बार पुनः NH-24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है, 93 लाख के गेहूं घोटाले के मामले को लेकर जो है ये कार्रवाई हुई है। सतना में हुआ था 93 लाख का गेहूं घोटाला, जिसमें कलेक्टर ने 19 किसानों के बैंक खातों पर रोक भी लगा दी है। और इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख भोपाल से अनुराग मालवीय जी जुड़ गए हैं। अनुराग, बात की जाए तो एक बार फिर से NH-24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है, बात की जाए तो 93 लाख के गेहूं घोटाले के मामले को लेकर खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, क्या कुछ जानकारी अनुराग इस खबर को लेकर? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार हमने इस खबर को दिखाया था और खबर इस तरह से दिखाई थी कि जिस तरह का ये पूरा घोटाला हुआ है उससे हमने तार भी दिखाए थे और किस तरह की ये व्यवस्थाएं हैं, किस तरह का ये पूरा सिस्टम था वो बताया था। अब जो सतना कलेक्टर है अनुराग वर्मा ने इसे संज्ञान में लिया, शुरुआती तौर पर 2 लोगों को सस्पेंड किया गया था, उससे आगे बढ़कर अब जो है इस पूरे घोटाले में जो लगभग 93 लाख रुपए के गेहूं का घोटाला हुआ है उसमें 19 किसान जो है उनके बैंक खातों पर रोक लगा दी है जिला प्रशासन ने, और इन खातों से जो निकली हुई रकम है उनको भी जो है पिछले 2 महीने की उसकी भी जांच की जा रही है कि किन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा इसमें एक और बड़ी बात थी कि जो फर्जी पंजीयन करके किसानों के नाम पे गेहूं खरीदने और बेचने का जो सिस्टम था उसमें सिकमी पंजीयन कहलाता है, अब उसकी वेरिफिकेशन की भी जांच होगी तमाम उन अकाउंट की जिनके जरिए ये किया गया है। तो फिलहाल तो 19 किसान जो है उनके खातों पर रोक लगी है, पर ये संख्या भी आगे और बढ़ सकती है। जी चलिए अनुराग, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।